हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नॉलेज स्टोर बाय अंकित वर्मा। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग सिर्फ गेट के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि गेट का एग्ज़ाम होगा इस बार या नहीं होगा, पोस्टपोन्ड होगा, क्यों लोग कह रहे हैं ऐसा। ऑब्वियसली कोविड की वजह से कह रहे हैं स्टूडेंट्स जो हैं। तो देखते हैं कि क्या आज की खबरें हैं इसकी और आज लोगों ने क्या कहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, काफ़ी दिनों से लोग इसके बारे में कह रहे थे कि इसको आप इसको पोस्टपोन कर दीजिए। जैसे एक सर्वे था, टाइम्स ने किया था, टाइम्स नाउ ने, कि सर्वे करते हैं कि कितने लोग चाह रहे हैं। तो 91% स्टूडेंट्स ने कहा था कि वो पोस्टपोन करना चाहते हैं। इसका रीज़न भी है, देखिए कहीं कहीं लोगों का घर जो एग्ज़ाम सेंटर से 400 450 किलोमीटर है। अब ओबियसली ट्रेन्स भी अभी नहीं चल रही हैं ज़्यादा, है ना, आने जाने में प्रॉब्लम। लोग अगर लाइफ से अगर रिस्क रहता है तो एग्ज़ाम में कहाँ दिमाग चलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। और कई लोगों को तो नींद ही नहीं आ रही है। मैं आपको कुछ ट्विटर्स दिखाऊंगा आज जो लोगों ने कहा है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा गया है कि 20,000 लोगों पर सर्वे किया गया था ये, है ना। तो 91% लोगों ने कहा कि ये पोस्टपोन्ड किया जाए, है ना। बाकी भी एक दो ऑप्शन थे कि नहीं, आई थिंक 6-7% ने कहा है कि कर लो, और एक दो ने ये कहा कि जिसको फुली वैक्सीनेशन लगी है उसको करो, ठीक है। 2-3% ने, तो मेजोरिटी ने कहा है कि इसको पोस्टपोन्ड किया जाए। ऑब्वियसली मेरे हिसाब से भी करना चाहिए, क्योंकि दिमाग नहीं चलता है ऐसे टाइम पे। एक तो इतना प्रेशर, पूरे साल आदमी तैयारी करता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, ऊपर से लाइफ का रिस्क, आने जाने में प्रॉब्लम, तो दिमाग कम लगता है ऑब्वियसली। और वैसे भी पूरे एक साल की मेहनत है, राइट। तो वैसे तो IIT खड़गपुर ने कह दिया था कि 5, 6, 12, 13 को हम लोग एग्ज़ाम करेंगे और कोई भी पोस्टपोन वाला सीन नहीं है। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे भी एक खबर भी जैसे है हमारी, कि लोगों ने कहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू कंडक्ट एग्ज़ाम विद हाई रिस्क ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ, है ना। और स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी इन स्ट्रेस ड्यू टू करंट सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक एंड इट इज़ नॉट द टाइम टू गिव देम मोर मेंटल ट्रामा। ऑब्वियसली मेंटल ट्रामा तो है ही ना, हॉल ऑफ हाइपोक्रेसी। क्यों इन्होंने मतलब अपना फंक्शन पोस्टपोन कर दे लेकिन एग्ज़ाम को नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ज़रा, ये IIT खड़गपुर लेके जा रहा है बच्चे को, स्टूडेंट को। गवर्नमेंट है, आँख बंद करिए, आई थिंक, है ना। एग्ज़ाम है, इसके अंदर वायरस भी दिखाया हुआ है इसी शेप में, क्या बेहतरीन इसमें डायग्राम से समझाया गया, दिखाया गया है ना। तो ऑब्वियसली हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं है, और एग्ज़ाम से बड़ी भी हेल्थ है ऑब्वियसली। तो उस टाइम पे दिमाग नहीं चलता है और रिस्क रहता है, लोगों को नींद नहीं आ रही है। मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट्स को, मेरे खुद के स्टूडेंट्स को नींद नहीं आ रही है, कह रहे कि परेशान है इसमें। तो मेरे हिसाब से भी इसमें पोस्टपोन कर देना चाहिए, और आई थिंक मंडे तक अगर खबर आती है इसमें पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा कि 1-2 दिन पहले वो बताएंगे, वो अब 4-5 दिन पहले बता देना चाहिए उनको, है ना। फरवरी पहले, 1 फरवरी या 31 जनवरी तक इनको बता देना चाहिए कि होगा या नहीं होगा, सो दैट उसी हिसाब से स्टूडेंट्स जो करें। देखो ये जैसे मैंने बताया था, रिस्पेक्टेड सर मैम, दिस इज़ टू ब्रिंग यू टू योर नोटिस दैट ड्यू टू शट डाउन इन माई लोकेलिटी आई एम फेसिंग लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस एंड ट्रामा एज वेल एज माई प्रिपरेशन विल गो इन वेन इफ आई फेल टू सिट इन दिस इज बहुत माई एग्जाम सेंटर इज 462 किलोमीटर फार फ्रॉम माई रिजाइडिंग एरिया। तो ऑब्वियसली जो मैंने कहा ना, बहुत लोग प्रॉब्लम में आए इसमें। अभी देखो एक बहुत बढ़िया सही जो मैं बता रहा था आपको, कि गवर्नमेंट ने देखो सारे एग्ज़ाम, सारे के सारे एग्ज़ाम अगर आप यहाँ से देखोगे, इसको देखो अगर आप, सारे के सारे पोस्टपोन कर दिए हैं। ऑब्वियसली लोग, जब स्टूडेंट्स इतने हजारों लाखों की तादाद में जाएंगे, कोविड भी तो फैलने का खतरा है ना। सो ये देखना चाहिए और इसके बारे में करना चाहिए सरकार को, जो भी है या जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको करना चाहिए, राइट। तो होपफुली ये पोस्टपोन्ड हो जाए, जैसे ही वेव हमारी कम होगी, इसकी थर्ड वेव, तब इसके बारे में सोचा जाए। 1 मंथ बाद भी होगा तो सारा शेड्यूल 1 मंथ लेट जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं है और अच्छा भी रहेगा। मैं तैयारी के लिए नहीं कहूँगा कि 1 महीना मिल गया तो बहुत, जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा तो उनको भी क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है और वो स्ट्रेस में है तो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो होपफुली देखते हैं फिर पोस्टपोन होगा या नहीं। लेटेस्ट अगर जैसे ही कोई खबर आएगी इसके बारे में, जैसे न्यूज़ आएगी, तो मैं यूट्यूब चैनल पर ज़रूर दूंगा आपको।
और हमारा जो लेक्चर सीरीज चल रहा है वो तो कंटिन्यू रहेगा ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।